हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में रीजनिंग के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व कराएंगे और ये प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। इन प्रश्नों को बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व करेंगे। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर वन देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर वन में क्या दिए गए विकल्पों में उस सेट को चुनिए जो दिए गए सेट के समान है। देखिए दोस्तों, क्या करना, इसके समान जो अंक आएगा वही हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे, पहले इसे सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद ऑप्शन को सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आंसर आएगा। तो चलिए दोस्तों, इसे सॉल्व कर लेते हैं। क्या दिया है, 3, 9, 11। ठीक है, तो क्या किया है, 3 का वर्ग कर दिया है, तो कितना हो जाएगा, 3 का वर्ग 9 हो जाएगा। और 9 में क्या किया है, 9 में 2 जोड़ दिया है तो 11 हो गया है। क्या किया है कि 3 का वर्ग किया है तो 9 हो गया है। ठीक है, और 9 में 2 जोड़ दिया है तो 11 हो गया है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इसी ऑप्शन से सॉल्व करेंगे। चलिए दोस्तों, पहले ऑप्शन को सॉल्व करते हैं। देखिए, पहले ऑप्शन में क्या दिया है, 5 का वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। और 25 में हम 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 27। यहाँ पर क्या दिया है, 20, यानी कि ए ऑप्शन गलत है। ठीक है, अब दूसरे ऑप्शन को सॉल्व करते हैं। ऑप्शन नंबर दूसरे में क्या करेंगे, देखिए दोस्तों, 6 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। 6 का वर्ग करेंगे तो 36 आ जाएगा, और 36 में 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा। देखिए दोस्तों, यानी कि 6 और 36 38 ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर दूसरे में क्या दिया है, DWH संबंधित है WDS से तो FUL संबंधित है किससे, इसी को हमें सॉल्व करना है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इन्हीं में से किसी एक ऑप्शन को हमें सेलेक्ट करना है। तो चलिए दोस्तों, इसे सॉल्व कर लेते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ही आसान तरीके से। देखिए दोस्तों, क्या किया है, DWH को WDS लिख दिया, किस प्रकार, देखिए W को इधर कर दिया है, D को इधर कर दिया है। ठीक है, तो पहले क्या लिख लेंगे, W लिख लेंगे, उसके बाद D लिख लेंगे। ठीक है, और H का उल्टा कर दिया है, S हो गया है। ठीक है, देखिए दोस्तों, H का उल्टा किस प्रकार किया है कि S आ गया है। देखिए दोस्तों, ABCD में 8 नंबर पे क्या पड़ता है, यश पड़ता है। ठीक है, सीधे टाइप से आने की ABCD में सीधे टाइप से जाएंगे तो 8 पड़ेगा यश नंबर। ठीक है, तो और उल्टे टाइप से आएंगे, आने की ZY X इस टाइप से आएंगे तो हमारा 8 नंबर पे क्या पड़ेगा, यश पड़ेगा। ठीक है, क्या पड़ेगा, यश पड़ेगा। ठीक है, तो इसी प्रकार यश का उल्टा कर दिया है, यश हो गया है। ठीक है, अब क्या करेंगे कि FUL को सोल्व करते हैं। देखिए, इसमें क्या किया है, इसमें भी यही प्रोसेस अपनाएंगे। तो क्या कर देंगे, FUL को क्या कर देंगे, U को इधर कर देंगे, F को इधर कर देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, U हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, F हो जाएगा। ठीक है, U F हो गया, अब L का उल्टा क्या हो जाएगा, O हो जाएगा। देखिए दोस्तों, ABCD में L 12 नंबर पड़ता है सीधे टाइप से। ठीक है, सीधे टाइप से L 12 नंबर पड़ता है, अगर उल्टे टाइप से याद करेंगे, यानी कि ZY X इस टाइप से सॉल्व करेंगे तो किस नंबर पे आएगा हमारा, बताइए दोस्तों, ओ नंबर पे आएगा। ठीक है, ओ हमारा 12 नंबर पे आएगा, इस प्रकार हमारा क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। ठीक है, तो क्या आ गया, UFO आ गया। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है UFO, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर तीसरे में क्या करना है, इसमें संबंधित अक्षर संख्या चुनना है। ठीक है, क्या दिया है क्वेश्चन में, TALE का संबंध LATE से है तो क्वेश्चन मार्क का संबंध किस प्रकार CAEF से हो गया है, इसी को हमें सॉल्व करना है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो चलिए दोस्तों इसे सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व किया है, देखिए क्या करेंगे, इसमें बहुत ही सिंपल तरीके से इसे भी सॉल्व करेंगे। क्या किया है, देखिए दोस्तों, टी को इधर कर दिया है, एल को इधर कर दिया है, ए को सीधे में कर दिया है, और ई को भी सीधे में कर दिया है। पहले क्या लिख दिया है, पहले एल लिखा है, उसके बाद सीधे में ए लिखा है, उसके बाद टी लिखा है, उसके बाद ई लिखा है। देखिए दोस्तों, क्या क्या बहुत सिंपल तरीके से सॉल्व किया इसे। पहले क्या किया, पहले एल को लिखा है, फिर उसके बाद सीधे ए लिखा है, उसके बाद टी को लिखा है, उसके बाद ई लिख दिया है। ठीक है, तो आ गया हमारा LATE। ठीक है, इसका संबंध इसी प्रकार था। तो अब क्या करेंगे, किसे सॉल्व करेंगे, तो CAEF में मिसप्रिंटिंग हो गया है, क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या रहेगा, CA
ई की जगह एफ रहेगा और एफ की जगह ई रहेगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। क्या करेंगे, पहले आपको लिखेंगे, उसके बाद सी को लिखेंगे इस तरह, पहले एफ को इस तरह करेंगे, फिर इस तरह सी को करेंगे, फिर ए को सीधे में कर लेंगे और ई को भी सीधे में कर लेंगे, ठीक है। तो अब इसे लिख लेते हैं, क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा, फिर ए हो जाएगा, फिर सी हो जाएगा और ई हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। किस ऑप्शन दिया है, एफ ए सी ई। देखिए दोस्तों किस ऑप्शन दिया, ऑप्शन नंबर ए में दिया है, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों हमने क्या किया, पहले एफ को लिखा, फिर ए को लिखा, फिर सी को लिखा, फिर ई को लिखा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है एफ ए सी ई, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर चार देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर चार में क्या दिया है, सी ए टी का संबंध डी डी वाई से है, तो बी आई जी का संबंध किससे होगा, इसी को हमें सॉल्व करना है। तो चलिए दोस्तों इसे फटाफट सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए दोस्तों पहले क्या करेंगे कि इन्हें अक्षर में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, अक्षर में कन्वर्ट करेंगे, तो क्या सी हमारा तीन नंबर पड़ता है, ठीक है, और ए हमारा एक नंबर पड़ता है, टी हमारा बीस नंबर पड़ता है, ठीक है। क्या हो गया, तीन एक बीस, ठीक है, और डी हमारा चार नंबर पड़ता है, डी हमारा चार नंबर पड़ता है, वाई हमारा पच्चीस नंबर पड़ता है, ठीक है। तो क्या किया है, देखिए दोस्तों तीन में क्या किया है, तीन में एक जोड़ दिया है तो चार हो गया है। क्या किया, तीन में एक जोड़ दिया है तो चार हो गया, यानी कि सी में एक प्लस किया है तो डी हो गया है, ठीक है। अब क्या करेंगे, ए ए क्या है, एक स्थान पर, ठीक है, और ए में क्या किया है, इसमें तीन जोड़ा है, तीन प्लस कर दिया है तो कितना हो गया, चार, आने की एक में तीन जोड़े तो चार हो गया, और ए हमारा एक ना स्थान पड़ता है, डी हमारा चार स्थान पड़ता है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों अब क्या करेंगे, टी टी हमारा बीस नंबर पड़ता है, ठीक है, तो बीस में क्या किया है, बीस में पाँच जोड़ दिया है तो पच्चीस हो गया है, ठीक है दोस्तों। क्या हो गया, पच्चीस हो गया है। किस प्रकार से, देखिए टी हमारा बीस नंबर पड़ता है और वाई हमारा पच्चीस नंबर पड़ता है, तो टी में पाँच जोड़ दिया है तो वाई हो गया है, ठीक है। तो क्या करेंगे अब, इसी प्रकार इसे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए दोस्तों बी बी हमारा दो नंबर पड़ता है, ठीक है, आई हमारा नौ नंबर पड़ता है और जी हमारा सात नंबर पड़ता है। तो पहले में क्या किया, पहले में एक जोड़ा है, यानी कि बी में हम क्या करेंगे कि इसमें एक जोड़ेंगे, एक जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, तीन, और तीन नंबर पर क्या पड़ता है, सी, तो यहाँ पर हो जाएगा सी, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखिए दोस्तों नौ नौ नंबर पर क्या है, आई, ठीक है, तो आई में क्या करेंगे, इसमें क्या किया, इसमें तीन जोड़ा है तो इसमें भी तीन जोड़ेंगे, ठीक है, तो तीन जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, नौ तीन बारह, और बारह नंबर पे क्या आता है, यल आता है, तो क्या हो गया, सी यल, ठीक है। किस ऑप्शन में दिया है, सी यल, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया है, और सी और डी गलत हो जाएंगे, ठीक है, इनमें से कोई एक ऑप्शन सही हो जाएगा। अब क्या करेंगे कि सात सात दिया है जी नंबर पर, ठीक है, तो सात में क्या करेंगे, पाँच जोड़ेंगे, यहाँ पर पाँच जोड़ा है तो यहाँ पर पाँच जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 12, 12 नंबर पे क्या आएगा, यल, आने की क्या आ गया, सी यल यल। किस ऑप्शन दिया, ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा और बी वाला गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है सी यल यल, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर पांचवा देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर पांचवे में क्या दिया है, दुख का संबंध मृत्यु से है तो खुशी का संबंध किससे होगा। देखिए दोस्तों ये प्रश्न बहुत ही सिंपल प्रश्न है, इससे बहुत ही आसानी से लगाया जा सकता है, तो चलिए दोस्तों हम इसे बहुत ही आसानी से सॉल्व करते हैं। देखिए दोस्तों किस प्रकार दुख का संबंध मृत्यु से हो गया है, देखिए दोस्तों इसमें क्या क्या है, मृत्यु का संबंध दुख से होता है, अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो क्या होता है, दुख होता है, ठीक है, इस प्रकार मृत्यु का संबंध दुख से हुआ है, ठीक है, मृत्यु का संबंध दुख से हुआ है, तो खुशी का संबंध किससे होगा। देखिए दोस्तों जब भी, देखिए दोस्तों क्या होगा, खुशी खुशी उसे किस प्रकार से आएगी, ठीक है दोस्तों, जब किसी को देखो प्रेम होगा तो खुशी नहीं होगी, ठीक है, नाचने पे खुशी नहीं होगी, रोने पे भी खुशी नहीं होगा। देखिए दोस्तों क्या होगा, जब किसी का जन्म होगा, ठीक है, जब किसी का जन्म होगा तो उसे बहुत ही खुशी होगा, यानी कि खुशी का संबंध किससे है, जन्म से है, ठीक है, खुशी का संबंध जन्म से, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है जन्म, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये पांचों प्रश्न आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ गए होंगे। अगर ये सभी प्रश्न आपको पसंद आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार की वीडियो आपको मिलती रहेंगी। तो आज के लिए बस इतना ही।